तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज के ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका होम साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप गृह विज्ञान विषय भी बोलते हैं, इसका CBSE का जो आपका मिड टर्म का सिलेबस है वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आपको तो पता ही होगा कि जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होता है क्लास 12th का CBSE बोर्ड का, वो सितंबर अक्टूबर महीने में होता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस बता दूंगा मिड टर्म का, होम साइंस का, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। और कोई भी अगर आपका डाउट रहता है जो आप मुझसे 1-to-1 पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है jayjha07 करके, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट वगैरह वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं DM के थ्रू। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं क्लास 12th के, तो आज ही ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर हम आपको फ्री में PDF नोट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर स्मॉल लेटर्स के अंदर सर्च करना है क्लास 12 CBSE 1-2-3। जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, तो आज ही ज्वाइन हो जाइए और जो भी चीज़ें हम भेजते हैं उसका लाभ उठाइए, बेनिफिट लीजिए, ठीक है। चलिए अपने सिलेबस को समझते हैं। देखिए आपका होम साइंस का जो सिलेबस बनता है, चाहे मिड टर्म एग्ज़ाम ले लीजिए, प्री बोर्ड ले लीजिए या बोर्ड एग्ज़ाम ले लीजिए, वो इन दो किताबों के अंदर से बनता है। पहले हिंदी में समझा देता हूँ सिलेबस, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में आपको मैं समझाऊँगा, ठीक है। फर्स्ट जो आपकी बुक रहेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहेगी मानव परिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान भाग एक, और जो दूसरी वाली बुक रहेगी इसका नाम है मानव परिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान भाग दो करके, ठीक है। तो यही दो किताबें हैं, इनके अंदर से आपका सिलेबस बनना है। अब एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर से कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं मिड टर्म एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग एक वाली जो पुस्तक है वो मैंने निकाल लिया है NCERT का, और उसका जो विषय सूची वाला पेज होता है ना वो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं जो आपका इकाई एक के अंदर से अध्याय एक है आपका कार्य आजीविका तथा जीविका, ये चैप्टर आपको पढ़ना है मिड टर्म के लिए। दूसरा जो आपका चैप्टर है इकाई नंबर दो यानी यूनिट नंबर सेकेंड से नैदानी पोषण और आहारी की, ठीक है, तो ये भी पढ़ना है आपको। थर्ड जो आपका चैप्टर है जन पोषण तथा स्वास्थ्य, ये पढ़ना है आपको। फोर्थ जो आपका चैप्टर है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, ये चैप्टर भी पढ़ना है। और पांचवा जो चैप्टर है आपका खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, तो ये भी आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर थर्ड की तरफ, तो यहाँ पर आपका जो छठा चैप्टर है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ये पढ़ना है आपको। और सातवा चैप्टर भी पढ़ना है बच्चों युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन। तो टोटल आपको यहाँ पर फर्स्ट बुक से 7 चैप्टर पढ़ने हैं मिड टर्म एग्जाम के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। चलिए अब आपकी जो सेकंड वाली बुक है उससे केवल एक चैप्टर आपको पढ़ना है मिड टर्म एग्जाम के लिए। यहाँ पर यूनिट नंबर जो आपका 6 है संचार एवं विस्तार वाला जो यूनिट है, इसके अंदर से जो आपका 13वां चैप्टर है विकास संचार तथा पत्रकारिता, ये आपको पढ़ना है मिड टर्म एग्जाम के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको हिंदी मीडियम में सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब एक बारी मैं आपको इंग्लिश मीडियम में समझा देता हूँ। देखिए इंग्लिश मीडियम में आपकी बुक का नाम रहेगा ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस करके, ठीक है। इसका जो फ्रंट पेज मिला है NCERT का वो थोड़ा सा ब्लर है, इसलिए मैंने लिख दिया, ओके। और सिलेबस सेम रहने वाला है, बस यहाँ पर मीडियम बदल जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, वो हिंदी में था अब इंग्लिश में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये आपका फर्स्ट बुक से रहेगा। एंड जो आपकी सेकंड वाली बुक है इसमें से जो आपका यूनिट नंबर 6 है, ओके, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन करके, इसके अंदर से जो चैप्टर नंबर 13 है आपका डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म करके, ये वाला चैप्टर आपको केवल पढ़ना है सेकेंड वाली बुक, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जो DOE का यहाँ पर सिलेबस वाला PDF आ रखा था ना होम साइंस का, उसके अंदर ये चीज़ था कि 13 सितंबर 2024 तक आपका यहाँ पर जो मिड टर्म की परीक्षाएं हैं उसका यहाँ पर जो सिलेबस है वो पूरा हो जाना चाहिए, और जिसके अंदर आपका इकाई 1, 2, 3 और यहाँ पर 6 आता है,
ठीक है, ये आपको इसके रिवीजन वगैरह करना है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल वगैरह जो भी होगा, फिर लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होने के बाद जो भी आपका यहाँ पर उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि चेक किया जाएगा आपका जो आंसर शीट है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका मिड टर्म का पेपर होगा होम साइंस का, उसके ऊपर डिस्कशन वगैरह यहाँ पर क्लास के अंदर चर्चा वगैरह की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ मेंशन था तो मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप, आज ही विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।